मौलाना साहब पहुंच गए हैं। अजीज साथियों, जल से जल गरम जोशी से इस्तकबाल करना के मौलाना साहब फिर सदारत के कुर्सी पे बैठ जाएं ताकि ये जलसा चलता रहे। मैं हजरत मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदारत की कुर्सी संभाले। जिस बंदे ने भी उनको जगह दें, मौलाना साहब को जगह दे के वो सदारत की कुर्सी पे बैठ जाएं। और मैं अवेश नूरानी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तकरीर जारी रखें। वजीर आजम के मनसब से 31 जनवरी से पहले पहले फौरी तौर पर अपने घर जाने की तैयारी करो। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का ये समंदर तुम्हें बह जाएगा लेकर। और ये कहता है कि मुझे तजुर्बा नहीं था। अगर तजुर्बा नहीं था, 7.5 साल गुजरने के बाद इस मुल्क 22 करोड़ आवाम की मुल्क की हालत आज आपके सामने मौजूद है। और आलम यह है कि गरीब आज भूख और अफलास में दे रहा है। चीने का हक उससे छीन लिया गया है। आटे चोर और चीनी चोर वफाकी काबीना के अंदर बैठे हैं। मैं कौम से कहता हूँ, 31 तारीख को जब ऐलान होगा इस्लामाबाद का, पिज्जा से लेकर अली बाबा जी तक का हिसाब होगा इंशाल्लाह। और वक्त कम है, मौलाना साहब आ गए, उनका खिताब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सुधारा नहीं होता भाई।